आप देख रहे हैं घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली के साउथ एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके चलते ये 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। वहीं चिदंबरम ने जेल में अलग सेल की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है, जिसके बाद उन्हें 7 नंबर सेल में रखा जाएगा। बता दें कि सीबीआई की ओर से चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की अपील की गई थी। सीबीआई का कहना है कि वो जमानत पर रिहा होने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सरकारी वकील ने कहा कि चिदंबरम एक पावरफुल नेता है, ऐसे में उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए। चिदंबरम के वकील सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगा है, आरोपी के खिलाफ डॉक्यूमेंट का ये पूरा केस है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला कांग्रेस नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को लेकर जुड़ा है, अदालत द्वारा ही जमानत याचिका पर फैसला किया जाएगा। बता दें कि चिदंबरम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उन्हें अलग सेल में रखने के निर्देश दिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जेल में चिदंबरम को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।